ये देखो भाई साहब, मस्त ट्रेन आ गई। और ट्रेन के पायलट देखो भाई, भाई बुलेट ट्रेन है, खतरनाक। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सुबह। गाइज जैसा कि आपको पता है, इंडिया की सबसे पहली सेमी बुलेट ट्रेन लॉन्च हो गई है। तो आज हम उस ट्रेन में घूमने जाने वाले हैं भाई। आज भाई साइंस के स्कूल की भी छुट्टी है, तो अभी हमारा पूरा प्लान बन गया है। उस पूरी ट्रेन में घूमेंगे और सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। ट्रेन में सारी चीज है भाई, वो पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें चीज भी ले सकते हैं भाई। ट्रेन में ही इसके अंदर कोई दुकान है भाई, कंप्यूटर वाली दुकान है। गाइज उस ट्रेन में ना विदेशों की तरह वेंडिंग मशीन भी है, जिसमें कार्ड लगा के ना कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक चिप्स कुछ भी ले सकते हैं। मेरे को मजा आ गया, मस्त कोल्ड ड्रिंक लूंगा जब भी भूख लगी। कोल्ड ड्रिंक। चलो तो भाई अभी विशाल को बुलाते हैं और जल्दी से चलते हैं गाजियाबाद और देख के आते हैं भाई कैसी ट्रेन है। भाई बहुत तेज भागते हो, 180 की स्पीड पे। उसकी मस्त स्पीड भी टेस्ट करेंगे। तो भाई अभी विशाल को बुला लिया है, आज तुझे बुलेट ट्रेन में घुमा के लाऊंगा भाई। चलाने के लिए मिल सकती है भाई? भाई ये तो पहले दिन ही केस करवाएगा हमारे ऊपर, भाई बुलेट की तरह भगा दूंगा भाई। वो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है अभी तक की, उसकी स्पीड टेस्ट करेंगे फोन से। चलो तो भाई अभी पूरी गैंग आ गई है। और ये देखो भाई, बुलेट ट्रेन के नाम से रियांश भी आ गया भाई साहब, हाइबरनेशन में से निकल गए। आज बुलेट ट्रेन को हाईजैक कर लूंगा भाई। रियांश की और विशाल की सोच देख रहे हो कितनी मिलती है। ये भी ट्रेन को चलाने की कह रहा था और ये भी ट्रेन को चलाने की कह रहा भाई। उसमें ना दो टाइप की टिकट मिलती है, नॉर्मल और प्रीमियम, तो प्रीमियम वाली लेंगे। अब यार इसके बैठने स्पीड स्लो हो जाएगी उसकी, ये भारी इतना है। तो भाई गोस्ट हंटर अंशु भी आ गया है भाई। बुलेट ट्रेन में भूत मिल जाएंगे क्या मेरे को? भाई भूत का तो पता नहीं, भूतनियां जरूर मिलेंगी और वो भी पूरा मेकअप करके। बेस्ट है ये तो, बेस्ट। चलो तो गाइस अभी फाइनली चलते हैं गाजियाबाद और दिखाते हैं आपको भाई कैसी बुलेट ट्रेन है वो। तो चलो गाइस चलते हैं। वीआईपी नंबर गाड़ी गयो दिमा जावे छाती रह रे हिट मारा पैसा ले गली तेरी आती रे। ये देखो भाई अभी पहुंचे भी नहीं है, इनकी पेट पूजा शुरू होगी। आगे तो मुझे कुछ पीने के लिए दिलवा देना, एनर्जी चाहिए भाई। अभी दिल्ली पहुंचे और इसकी एनर्जी खत्म होगी। हमारा उपवास है आज। भारत का 500 किलो आटा बच जाएगा एक दिन का। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन के पास। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन के यहाँ पे, 2000 इयर्स लेटर। चलो भैया ऊपर चलते हैं और टिकट लेते हैं भाई। तो भाई अभी अपना न्यूज इंटरव्यू हो रहा है, तो अभी तक रिव्यूज मिले हैं उसके अनुसार क्या लगता है आपको कैसा होगा भाई? देश देखो ग्रोथ कर रहा है, इतने बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं। चलो भाई फाइनली अभी एंटर करने वाले हम। भाई साहब लिफ्ट विफ्ट लगी हुई है यहाँ पे, तो मोटा खर्चा कर रखा है। कितना मस्त बना है भाई स्टेशन, एयरपोर्ट फेल है भाई। समुद्र पार रैपिड मेट्रो से। तो भाई अभी टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। कौन सी टिकट लें, नॉर्मल या प्रीमियम? प्रीमियम। हाँ प्रीमियम में जाएगा। एलवी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो भाई शायद भाई प्रीमियम वाली टिकट ले रहा है, प्रीमियम 60 की है बस। तो भाई फाइनली अभी टिकट आने वाली है। आ गई टिकट आ गई। अब ले ले नीचे से, किसी बंदे की जरूरत नहीं है, सीधी टिकट खरीदो यहाँ से भाई। ये तो खतरनाक चीज है। ये देखो भाई साहब अभी तक भी रंगोली बनी हुई है और मस्त डेकोरेट किया हुआ है इसे। तो भाई लग ही नहीं रहा है मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट पे आ गया भाई मैं। चलो तो भाई अभी चेकिंग करवाते हैं और चलते हैं अंदर। ये देखो भाई सिस्टम, ये देखो रियांश फंस गया। भाग भाग भाग। अरे बच गया भाई, अभी हो जाता सिस्टम हैंग वरना हमारा। भाई ट्रेन में खाने को मिलेगा क्या? सब कुछ मिलेगा भाई। अरे भाई खाने के लिए तो जा रहा हूँ मैं यार, पैक भी करवा लेना घर के लिए। अरे भाई पहले क्यों नहीं बताया? सारे ऑटोमेटिक दरवाजे भाई साहब। भाई पूरा मेट्रो स्टेशन डेकोरेट किया हुआ है, यहीं से इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर ने। तो अभी हम प्रीमियम क्लास की तरफ जा रहे हैं, उसमें देखते हैं क्या फैसिलिटी मिलती है। प्रीमियम क्लास के लिए तो अलग सीटिंग एरिया भाई साहब, दोबारा टिकट स्कैन करनी पड़ेगी हमें। तो भाई साइंस जा रहा अभी प्रीमियम क्लास में। तो भाई अभी प्रीमियम क्लास में आ गए हैं और ये देखो भाई यहाँ पे तो मस्त मस्त चीजें लगी हुई है खाने की। भाई बिल्कुल अमेरिका वाली वेंडिंग मशीन लगी हुई है, अभी खरीद के देखते हैं भाई इसमें से कैसे आता है। ये देखो भाई सबके प्राइस लिखे हुए हैं, सबके प्राइस फालतू लिखा हुआ है भाई। प्रीमियम में ट्रेवल कर रहा है यार, गरीब है क्या तू? तो भाई इलेक्ट्रिक चाची की दुकान से कुछ खरीदते हैं। शिनचैन की याद आई, वो बेच लेता सामान। ये देखो भाई खरीदारी कर रहे हैं हम भाई, 20 रुपए का सस्ता माल है भाई, एक नंबर का सस्ता। ट्रेन आ गई, ये देखो भाई साहब मस्त ट्रेन आ गई। और ट्रेन के पायलट देखो भाई, भाई बुलेट ट्रेन है, खतरनाक। वो देखो भाई वहाँ से भी आ गई एक ट्रेन। तो भाई फाइनली ट्रेन में एंट्री कर रहे हैं। भाई प्रीमियम में भी भीड़ है क्या? सिस्टम। भाई हम तो सोच रहे थे प्रीमियम में भीड़ नहीं मिलेगी, प्रीमियम में भी भीड़ है भाई। प्लेन में आ गई, प्लेन में भाई साहब खींच के चल रही है। स्पीड टेस्ट कर भाई, स्पीड टेस्ट। ओ भाई 100 से ऊपर पहुंच गई भाई साहब, देखो भाई अभी अगले स्टेशन पे ना और भी तेज खींचेगा भाई। 113 पे तो ऐसे लग रही है जैसे 10 पे चल रही हो भाई। ट्रेन तो चल गई मगर इसमें रियल पैसेंजर अभी नहीं है, सारे जो राइड वाले हैं। सारे भी लोग आ गए। ये देखो भाई ट्रेन के अंदर भी वेंडिंग मशीन है, कुछ भी खाओ पियो मौज लो। मैं कुछ ले रहा हूँ,
भाई साइंस को जेली मिल गई, साइंस द जेली मैन। तो भाई इलेक्ट्रिक ताई तो भाई कुछ दे ही नहीं रही, भाई QR कोड का चक्कर है। तो अभी ट्राई कर रहे हैं, देखते कुछ आता या नहीं। भाई हमसे तो मशीन चली नहीं, अब स्टेशन पे जाके ट्राई करेंगे क्योंकि लास्ट स्टेशन आ गया हमारा। थोड़ी सी देर में पहुंचा दिया इसने, एक नंबर। भाई साइंस अपने मामा के घर जाएगा इसी ट्रेन में कुछ दिन में, राजीव चौक से तेरे मामा के घर तक जाएगी। ये देखो भाई, ये तो पूरा प्रीमियम का फील ले रहे हैं, पैसा वसूल के देंगे ना भाई, गरीब भी तो हूँ मैं, 60 रुपए लगाया भाई। गाइस अभी प्रीमियम का मजा ले लिया, आते टाइम नॉर्मल वाले में जाएंगे, उसमें दिखाएंगे भाई क्या फैसिलिटी है। तुम गरीब जाओ नॉर्मल में। ये देखो भाई कैप्टन आ गया, इस ट्रेन को तो चलाने में मजा आ रहे होंगे। अब भाई थोड़ी देर में ना यही ट्रेन वापिस चली जाएगी, वापिस में बैठ जाते हैं। भाई टिकट तो लेनी पड़ेगी, फिर कूद के भागेगा। तो अभी हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, फिर से टिकट लेंगे और फिर से ट्रेन में आएंगे। भाई फुल मजे आ रहे हैं, कुछ भी कहो भाई। डेकोरेशन की हुई है भाई साहब, एक नंबर। ये देखो भाई गई ट्रेन, भाई साहब जबरदस्त। वो गई भाई, वो गई ट्रेन। भाई एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं हम बस, और कुछ नहीं कर रहे, सारा सिस्टम स्कैन कर दिया हमने। तो भाई ट्रेन ने हमें भूतिया जंगल में छोड़ दिया। अरे भाई भूत पकड़ो जल्दी 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 जल्दी। भाई गजब एक्सपीरियंस, गजब भाई। पूरे NCR में जब चल जाएगी ना, कितना मजा आएगा ट्रेवल करने में, हर जगह मिनटम पहुंच जाएंगे। तो भाई अभी हमने दुहाई डिपो पे एग्जिट किया है, दुहाई हो दुहाई। तो भाई अभी वापस चलते हैं और रिटर्न टिकट लेते हैं भाई। मैं और विशाल तो प्यासे मर गए। तो भाई फाइनली वापसी की टिकट ले ली है और ट्रेन भी आ गई है। मैं टिकट बांट देता हूं। भाई रियांश को ढंग से चेक कर लो, इसके पास 2 कुरकुरे हैं। आपकी टिकट मेरे पास है। चलो भाई अभी एंट्री कर ली है, अभी चलते हैं अपनी ट्रेन में। तो अभी नॉर्मल कैटेगरी में जा रहे हैं हम। अबे भाई कुछ भी फर्क नहीं है, तो प्रीमियम और नॉर्मल सेम टू सेम है भाई। भाई प्रीमियम में सिर्फ वेंडिंग मशीन लगा रखी है और वो भी चलती नहीं है हर बंदे से। बाकी इसकी सीटिंग में कुछ चेंज नहीं है ज्यादा, कुछ चेंज नहीं है, बस कलर का चेंज है, लाल और नीला। प्रीमियम में ज्यादा भीड़ थी, इसमें भीड़ भी नहीं है भाई। इसमें देखो भाई पहली ट्रेन है जिसमें चार्जिंग की फैसिलिटी है, डाटा केबल चार्ज सीधा। तो भाई अभी मैं रियांश के साथ बैठने वाला हूँ। प्रीमियम और ऑर्डिनरी में ना सिर्फ ये फर्क है कि लेग रूम ना प्रीमियम में ज्यादा है। इसमें देखो पैर अड़ रहे हैं, मैं 6 फुट का हूँ, मेरे पैर अड़ रहे हैं भाई। उसमें सीट भी इंक्लाइन डिक्लाइन होती है, इसमें नहीं होती भाई। वो तो सब ठीक है, मगर भाई ऑर्डिनरी में AC बंद कर दिया इन्होंने तो। यार ये तो गलत बात है, बस बना दी तुमने। गाइस अगर जेन्युइनली आपको बताऊं ना, प्रीमियम और इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। प्रीमियम का सिर्फ एक ही डिब्बा होता है, उसमें भाई बहुत ज्यादा भीड़ रहने वाली है क्योंकि सारी ट्रेन ऑर्डिनरी है और सिर्फ एक डिब्बा है प्रीमियम का। भाई नॉर्मल लो, बेस्ट है भाई। यहाँ से देखो भाई एक्सप्रेस वे दिख रहा पूरा मेरठ वाला। भाई इंडियन गवर्नमेंट ना बहुत जबरदस्त काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रैपिड डेवलप हो रहा है ना इंडिया में, जिसकी कोई लिमिट नहीं। मोदी जी की जय हो, द्रौपदी मुर्मू की जय। भाई अब भीड़ आने लगी, भाई देखो भाई थोड़ी बहुत तो भीड़ आई है पीछे, तो भाई अगर मैं तो भाई उससे तो ज्यादा ही है यहाँ पे भीड़। तो अभी वापसी की स्पीड टेस्ट कर रहे हैं भाई, सुई रख उस पे पार 110, 20, 30, 150 पहुँच जाए। 130 बार भाई साहब, 140 बार कर गई भाई। हाँ जी 150, 150, 150। भागेगी भागेगी, चिंता मत करो भाई। इसमें ना गेट खुद खोलना पड़ता है, यहाँ से बटन दबा के, ये देखो खुल गया, बंद खुद हो जाएगा मगर खोलना खुद पड़ता है। तो भाई फाइनली हमारा स्टेशन आने वाला है। भाई रियांश इस ट्रेन में सब कुछ बढ़िया है, मगर ये क्या लगाया हुआ है, ये किस लिए भाई? ये तो दिल का आधा कटा हुआ शेप लगा रखा है। ये देखो लड़ाई होगी इनकी गेट खोलने के लिए। तो भाई पहुँच चुके हैं गाजियाबाद वापिस, मस्त मजेदार जर्नी। तो भाई अभी ट्रेन को बाय बाय कर रहे हैं, बहुत ही जल्द गुड़गांव मिलेंगे इस ट्रेन से, मजा आएगा। ये देखो पूरी ट्रेन का व्यू कितनी सुंदर लग रही है, एकदम स्पीड में जाती है भयंकर। ये देखो भाई, चलो तो भाई अभी नीचे चलते हैं। मजा नहीं आया भाई, साइंस को चीज नहीं मिली ना, अभी नीचे वेंडिंग मशीन से चीज लेते हैं। नीचे वेंडिंग मशीन है ही नहीं भाई, वेंडिंग मशीन ना प्रीमियम वाले में ही थी बस, अभी इनसे पूछते हैं अगर यहाँ होगी ना तो चीज खरीदेंगे उससे। ये देखो स्टेशन पे भी साइंस का सब्सक्राइबर मिल गया भाई, भूत वाली वीडियो देखता होगा पक्का ना। चलो तो भाई अभी एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पर की छोड़ के जाने वाले थे तुम लोग मेरे को। ये देखो बच्चे भाई ट्रेन में भी घूमने आए हैं और बैलून के साथ भी खेल रहे हैं, ये बच्चे बैलून चुरा रहे हैं। ये देखो भाई बहुत दिन बाद एक बड़ा सब्सक्राइबर मिला, कोई लगता सब्सक्राइबर का पापा है। तो गाइस अभी मस्त ट्रैवल करके आ गए हैं, एक नंबर मजे आ गए। 10 मिनट की राइड के लिए 1.5 घंटा ट्रैवल करके आए हैं। तो गाइस अभी पार्किंग में आ गए और हमारी गाड़ी में देखो कोई क्या रख के चला गया भाई, ये तो विशाल के लिए कोई चड्डी रख के चला गया। बच्चों का डाइपर होगा इसमें। तो भाई अभी चेक करके देखते हैं इसमें क्या है, पैसा निकल जाए क्या पता मोटा। भाई देखियो कहीं बम भी फट जाए। ये देखो भाई पता नहीं कौन टी शर्ट छोड़ के चला गया भाई, यार बढ़िया टी शर्ट है तो देखने में, भाई कोई तगड़ा ही भुलक्कड़ था, दो दो टी शर्ट छोड़ के चला गया भाई, कोई नई खरीद के लाया मार्केट से वो भूल गया, पुलिस वाले को दिया उससे पूछ लेगा कोई। तो भाई अभी ये टी शर्ट ना पुलिस वाले को दे के आ रहे हैं, कोई बंदा ढूंढेगा तो भाई वापिस ले लेगा क्योंकि 2 टी शर्ट है भाई। चलो तो भाई अभी मस्त ट्रेन में घूम लिया, अभी भाई खतरनाक भूख लगी है। तो भाई अभी मस्त फ्रूट चाट खाने आए हैं, ये देखो भाई अपना सारा सिस्टम सेट।
हो गया है। कितने सारे फ्रूट डाल दिए भाई। भाई इसमें कुछ अंकल जी सिगरेट मसाला भी डालते हैं, वो हम नहीं बताएंगे आपको। हाँ भाई कैसा है? अच्छा है, एक नंबर भाई, बहुत टेस्टी है। ये देखो आलू के ऊपर लड़ाई होगी, अंकल से कहने दो थोड़ी देर आलू और डाल। चलो भाई अभी मस्त पेट पूजा होगी है, अभी भाई फाइनली चलते हैं घर। खाओ पियो ऐसे करो मित्रो। भाई खाना खाते इसके गाने निकल गए, भाई बुलेट ट्रेन में घूम के तो मस्त ही मजा आ गया। होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।